नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप गुजराती विषय धोरण 3 की सामयिक मूल्यांकन कसौटी संपूर्ण सोल्यूशन्स जुशू। एना गुण से 25 और समय से 1 कलाक। प्रश्न पहलो, नीचे आपेला वाक्य में खूटता अक्षर शब्द लखो, एना गुण से 5। तमने काउस में आपेलू से माथी अने नी के ने ए। पहलू, गुलाबना पान खाली जग्याने किनार करवत जेवी होय छे, जवाब आवशे नी। बीजू, माटलू माटी खाली जग्यामांथी बने छे, जवाब आवशे माथी, एटले के माटलू माटीमांथी बने छे। त्रीजू, श्रद्धा खाली जग्या कुलदीप भरूच आव्या, तो जवाब आवशे अने। अने चौथू, कमला दौड़ी दौड़ीने आवे छे, तो एमां जवाब छे ने। पांचमू, जीभथी पाणी पीवे खाली जग्या मांसाहारी कहेवाय, तो जवाब आवशे ए। प्रश्न बे, लीटी दौड़ेल शब्दनो विरुद्ध अर्थ दर्शावतो शब्द आपी वाक्य फरीथी लखो, एना गुण छे 5। उदाहरण तरीके, अंधली पासे ओछा पुस्तको छे, तो अहीं ओछानुं आपणे वधारे करी वाक्य बनावानुं छे। जवाब आवशे अंधली पासे वधारे पुस्तको छे। तो पहेलुं, मारुं घर नानुं छे, तो जवाब आवशे मारुं घर मोटुं छे। बीजुं, आ मारी शाळा छे, तो जवाब आवशे आ तारी शाळा छे। त्रीजुं, महेश शाळाए आवता खूब खूब। क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। आवता खूब खूब रड़ियो, तो जो मैं शाळाए आवता खूब हसियो। चौथू, पाटियो धोळा रंगनो होय छे, जो बहुशे पाटियो काळा रंगनो होय छे। पांचमू, जंगलमां जाजा वृक्षो होय छे, तो एनो विरुद्धार्थी थशे थोड़ा, एटले के जंगलमां थोड़ा वृक्षो होय छे। प्रश्न 3, नीचे आपेला शब्दोनो उपयोग करी वाक्य बनावो। पहेलू, मेळो, तो आपणे एनुं वाक्य बनावीए, तो वात्रकनगर में मेळो भरायो छे। बीजू, राखड़ी, तो एनो वाक्य में प्रयोग करिए, बहन भाई ने राखड़ी बांधे छे। त्रीजू, धजा, तो मंदिर पर लाल धजा छे। चौथू, घास, तो गाय घास खाय छे। पांचमू, पाणी, तो तळो में खूब पाणी होय छे। प्रश्न 4, नीचेनी परिस्थिति में तमने केवो अनुभव थाय, कौसमांथी विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो। तमने काउसमां विकल्प आपेला छे, चिंता थाय, डर लागे, मजा पड़ी जाए, आनंद थाय, उदास थवाय के गुस्से थवाय। तो पहेलू, तमने रस्तामां चित्तो मळे तो खूब डर लागे। बीजू, तमे बगीचामां जुदा जुदा फूलो जोवो तो एमां खूब आनंद थाय। ત્રીજું, તમે માળો લટકાવો પણ ચકલી રહેવા ના આવે તો જવાબ આવશે ઉદાસ થવાય। ચોથું, પંખો ચાલુ હોય અને કબૂતર ઘરમાં આવી જાય ત્યારે તો ચિંતા થાય। પાંચમું, તમે નિશાળે જાઓ અને સાહેબ ગીત ગવડાવે ત્યારે તો મજા પડી જાય। પ્રશ્ન 5, તમે જન્માષ્ટમીના તહેવારોની ઉજવણી કેવી રીતે કરી તે વિશે 5 વાક્ય લખો, એના ગુણ છે 5। પહેલું, અમારા મહોલ્લામાં દર વર્ષે જન્માષ્ટમીની ઉજવણી થાય છે। આખા મહોલ્લાને આસોપાલવના તોરણથી શણગારવામાં આવે છે। રાત્રે 12 વાગ્યે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ થાય છે। આખા મહોલ્લાનું વાતાવરણ નંદઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કીના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠે છે। ત્યારબાદ આરતી કરવામાં આવે છે અને પંજરીનો પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મટુકી ફોડનો કાર્યક્રમ હોય છે, જેમાં બાળકોને ખૂબ આનંદ આવે છે। આવી રીતે અમે જન્માષ્ટમીની ઉજવણી કરી। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।